शोल्डर, दिस इज माउथ, माउथ हो गया, यहाँ पर टीथ होता है, और यहाँ पर एक टंग के नीचे और टंग के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जहां से क्या होता है कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है, वो भी हम बताएंगे धीरे धीरे क्या होता है। इसके नीचे जो आपको ये दिख रही है पाइप, इसको बोलते हैं एसोफेगस, ऐसी को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। एसोफेगस हो गया, इसके बाद ये होता है आपका लीवर, ये हो गया आपका लीवर, और ये जो आपको दिख रहा है इधर से, इसको बोलते हैं स्टमक, स्टमक, स्टमक हो गया, इसके बाद लीवर हो गया, आपको ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर, राइट, लीवर के अंदर होता है, ये लीवर के बाहर होता है, यहाँ पर लीवर में जो भी जूस वगैरह निकलता है ना वो गाल ब्लेडर में ही आकर के स्टोर होता है। फिर इसके बाद होता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज होता है, इसके बाद ये होता है बाहर की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेन, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। सबसे नीचे होता है एनएस, ए एन यू एस, इसको बोलते हैं बेटा रेक्टम, आर ई सी टी यू एम, रेक्टम, और ये जो अंदर में आपको दिख रहा है ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है, और इसके बाद में ये जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन एकदम नीचे जो दिख रहा है ये होता है आपका अपेंडिक्स, एल ओ के अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, ए डबल पी ई एन डी आई एक्स, ये हो गया अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, और ये हो गया आपका माउथ। तो ये हो गया आपका टोटल सिस्टम जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इसके एक एक स्टेप को देखेंगे। खुशी आपको समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत? हेलो, नो सर, इसको देख लीजिए, कोई भी समस्या हो आप बताइए। चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ माउथ से। क्या बेटा? माउथ, एम ओ यू टी एच, इसको लिखते चलिए बेटा। तो माउथ क्या होता है बेटा? माउथ का काम होता है इनटेक, मतलब हम लोग फूड को सबसे पहले क्या करते हैं, माउथ से खाते हैं। तो यहां से ये माउथ के अंदर इंटर करना शुरू कर देता है क्या, फूड, यानी कि फूड सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फूड को खाए तो किससे खाते हैं, माउथ से तो खाते हैं, तो माउथ से क्या हो गया, ये फूड इंटर हुआ यहाँ से, मतलब ये फूड अंदर गया, तो माउथ का काम क्या हो गया, इनटेक। फिर आता है टीथ, टीथ, अब टीथ क्या होता है बेटा, टीथ का काम क्या होता है, ब्रेक द फूड, ब्रेक द फूड, मतलब इसको डाइजेस्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है टीथ क्या करता है, फूड को ब्रेक करता है, यानी उसको पीसेस में तोड़ना शुरू कर देता है, कौन, टीथ। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टंग, टी ओ एन जी यू ई, टंग का काम क्या होता है बेटा, आपको पता है टंग का जो यूज होता है, ये यूज होता है फूड के टेस्ट के लिए, कि फूड कैसा है हमें टेस्ट मिल जाए, और इसके अलावा फूड पे रोलिंग करता है, जब हम लोग यहाँ टंग से फूड को खा लेते हैं, तो जो सॉरी जब फूड को इनटेक करते हैं माउथ से, और जब हम टीथ से क्या करते हैं, उसको पीसेस में तोड़ते हैं, तो इधर उधर कौन घुमाता है, टंग ही तो घुमाता है, ठीक है। तो टंग का काम क्या होता है बेटा, टंग का काम होता है टेस्टिंग, एक तो हो गया टेस्टिंग एंड रोलिंग, बेटा लिखते चलिएगा, एंड रोलिंग, आर ओ डबल एल आई एन जी, रोलिंग द फूड, ये हो गया काम किसका, टंग का। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है ना, क्या आता है बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स, अभी हमने आपको बताया था कि ये हो गई आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ पर होती है जस्ट आपको दिखा हुआ मिल रहा है, तो सलाइवरी ग्लैंड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस ए एल आई वी ए आर वाई, सलाइवरी ग्लैंड्स, जी एल ए एन डी एस, सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होता है बेटा, ये प्रोड्यूस करता है सलाइवा, प्रोड्यूस सलाइवा,
मतलब सलाइवा का मतलब होता है लार, जो हमारे जब भी हम लोग कुछ खाते हैं या कभी कभी हम लोग सोचते हैं किसी टेस्टी खाने के बारे में, ठीक है, तो मुंह में क्या होता है, लार आने लगता है। तो किसकी वजह से आता है, वो सलाइवरी ग्लैंड की वजह से आता है, ये प्रोड्यूस करता है सलाइवा। फिर देखिए होता क्या है, ये सलाइवा में कुछ चीजें कंटेन होती हैं, तो सलाइवा कंटेन्स, सलाइवा कंटेन एंजाइम, इसके अंदर में एंजाइम होता है, एंजाइम सलाइवरी सलाइवरी एमिलेज, याद रखिएगा, यानी कि जो सलाइवा होता है इसमें एंजाइम होता है, कौन सा होता है बेटा, सलाइवरी एमिलेज एंजाइम होता है। ये इसका काम क्या होता है, डैट ब्रेक डाउन, डैट ब्रेक डाउन स्टार्च। स्टार्च का मतलब होता है जो हम लोग फूड खाते हैं ना, उसी को बोलते हैं स्टार्च, स्टार्च टू सिंपल शुगर, टू सिंपल शुगर, ठीक है। ये देखिए मतलब हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहां से हमारे माउथ से क्या हुआ, सबसे पहले माउथ से इनटेक हुआ फूड, फिर टीथ से हमने क्या किया, उसको पीसेज में तोड़ा, फिर टंग का क्या करता है, टंग का काम होता है टेस्ट करना, रोल करना। इसके बाद में हम ऊपर देख रहे हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी जो ग्लैंड होती है ये क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो आपको यहाँ पर दिख रही है ये टंग के नीचे टंग के ऊपर दोनों होती है, और यहाँ से प्रोड्यूस होता है सलाइवा, यानी जिसको लार बोलते हैं। सलाइवा में एंजाइम्स होता है सलाइवरी एमिलेज, ये इसके एंजाइम होता है, याद रखिएगा कौन सा एंजाइम होता है बेटा, सलाइवरी एमिलेज एंजाइम होता है, किसमें होता है, सलाइवा में होता है, ठीक है, ये होता है। इसका काम क्या होता है, ये फूड को ब्रेक डाउन करता है, किसमें, सिंपल शुगर में, शुगर का मतलब होता है ग्लूकोज में, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। यानी कि यहां से एक फॉर्मूला बन सकता है, और फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टार्च, सर जो सलाइवा रहता है उसके वो एक एंजाइम लेता है सलाइवरी एमिलेज, और फिर वो जो सलाइवरी एमिलेज रहती है वो ब्रेक डाउन करती है फूड को सिंपल शुगर में। हाँ यस यस। तो ये क्या हो गया बेटा, स्टार्च हो गया, और स्टार्च के साथ साथ सिलेवरी एमिलेज है, एमिलेज, और इससे क्या बनेगा, अपने को मिलेगा शुगर। तो स्टार्च का मतलब हो गया जो हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है। सिलेवरी एमिलेज कहाँ से मिलता है बेटा, ये मिलता है सलाइवा में, सलाइवा में मिलेगा, और शुगर का मतलब क्या हो गया हमारा, ग्लूकोज। ये देखिए तो ये हो गई इतनी कहानी, क्या समझ में आ गई। तो यानी कि फूड अभी यहां तक है, यानी कि ऊपर तक है, अब फूड क्या करेगा, एसोफेगस से होते हुए नीचे की तरफ आएगा, तो इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। सर तो फूड प्लस सलाइवा तो ये ग्लूकोज हो जाएगा। स्टार्च का मतलब फूड होता है, और ये किसके साथ मिल रहा है, सिलेवरी एमिलेज के साथ मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, शुगर, शुगर का मतलब ग्लूकोज सर शुगर बन रहा है। बन रहा है। यस हटा रहे बेटा, हटा दे। यस सर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एसोफेगस, यानी कि यहां से नीचे हम लोग जाएंगे, और नीचे जाकर के क्या मिलेगा, एसोफेगस। चलिए ओके, तो एसोफेगस देख लेते हैं। एसोफेगस, ठीक है, तो एसोफेगस क्या होता है बेटा, ये फूड को, यानी कि अब ये माउथ से फूड को लेकर के नीचे की तरफ बढ़ेगा, स्टमक की तरफ, इसी को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप या एसोफेगस। यानी कि इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ,
taking food from mouth to stomach. To stomach by press PERISTALTIC peristaltic movement. Peristaltic movement से क्या होता है, ये धीरे धीरे लेकर के आता है फूड को, किधर लेकर आता है, नीचे की तरफ स्टमक की तरफ, कौन एसोफेगस। यहाँ पर प्रिस्टेलिक मूवमेंट का मतलब क्या है, प्रिस्टेलिक, ठीक है, इसका मूवमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, जो ये पाइप होती है ना फूड को क्या करती है, इस तरह से खींच खींच के नीचे लाती है, ठीक है ना, यहाँ से जब फूड उतरता है तो इसको इस तरह से प्रेशर डाल करके नीचे लाती है, इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रिस्टेलिक मूवमेंट। सर क्या था सर, प्रिस्टेलिक, PER लिखा हुआ है, PERISTALTIC, मतलब एक बार फिर से बता दीजिए बेटा, बता रहे क्या बेटा, क्या बता रहे, यही प्रिस्टेलिक मूवमेंट। हाँ, इसमें क्या बता रहे, यस सर, होता क्या है ना ये, यस सर यही बता दीजिए बेटा, ये क्या होता है, जो हमारी ये एसोफेगस होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ये देखिए, ये ऐसे होता है जो स्टमक की तरफ ऐसे बढ़ता है, ठीक है ना, ऐसे ये तो होता है। अब ये पाइप है, इसमें जब कोई फूड आता है इस तरीके से तो फूड को खींच करके नीचे की तरफ लाता है, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वैसे बनता है, जैसे यहाँ पर है तो अभी फूड यहाँ पर है तो ये थोड़ा उठा हुआ हो जाएगा, ठीक है ना, सपोज कर लीजिए फूड ये है इसके बीच में, तो इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा, ये ऐसे ही, ये मतलब जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा ये फैलता चला जाएगा, ठीक है ना, आई बात समझ में, इसी बोलते हैं प्रिस्टेलिक मूवमेंट, नहीं आई बात समझ में सर, जैसे सर मोजे में सर बॉल डालो तो उसका, हाँ एकदम सही, एकदम सही, तो इसे फूलता हुआ जाएगा ना, बस उसी को बोलते हैं, और ये इसको थोड़ा खींच करके नीचे की तरफ लाता है, ठीक है ना, मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि फूड को इंटेक करता है इस तरह की तरह प्रेसलिक मूवमेंट से होते हैं। प्रेसलिक मूवमेंट जो रहता है वो खींचता है फूड को नीचे, इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं, जो इस तरह से मूवमेंट होता है फूड में, इसी को बोलते हैं, ओके ठीक है, हाँ। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टमक की, क्योंकि अब फूड यहाँ से एसोफेगस से होते हुए आ गया है स्टमक में, तो स्टमक क्या होता है बेटा, स्टमक का पॉइंट नंबर वन हम लोग देख लेते हैं, इसे लिखा है स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, स्टमक क्या है, एक लार्ज ऑर्गन होता है, इट एक्सपेंड्स, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड इंटर्स इन इट, यानी कि ये क्या होता है स्टमक, देखिए कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग जैसे खाते जाते हैं तो स्टमक ये होता है, ये फैलता रहता है, ये लार्ज ऑर्गन होता है, दिस इज अ लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड इंटर्स इन इट, यानी कि जब फूड इसमें इंटर करता है तो ये फैलने लगता है स्टमक, एक पार्ट हो गया, और इसका सेकेंड पार्ट ये देख लीजिए, जो हमारे पास स्टमक होता है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, क्या होती है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है बेटा, ये रिलीज करता है, इट रिलीज, स्टमक की बात हो रही है, स्टमक में होता है, इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस, और जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें क्या क्या होता है ये देख लीजिए,
गैस्ट्रिक जूस कंटेन, इसके में क्या होता है बेटा, इसमें होता है एससीएल, जो गैस्ट्रिक जूस जो इसमें होता है स्टमक में एससीएल होता है, और इसके बाद में पेप्सिन होता है, और पेप्सिन के बाद में होता है म्यूकस, MUCUS। सर ये बेटा, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कहाँ से बेटा, एसोफेगस से? यस सर। बेटा एसोफेगस होता है क्या, जैसे माउथ से जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो यहाँ पर एक पाइप होती है जी, ठीक है, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप या एसोफेगस। तो यहाँ से फूड क्या होता है, लिखा हुआ टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय प्रेस्टिक मूवमेंट। ये प्रेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, फूड ऐसे रोल होता हुआ नीचे आता है, इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं। तो ये एसोफेगस से होता हुआ आ जाता है नीचे, फिर हम बात करते हैं एसोफेगस से होते हुए ये पहुंचता है स्टमक में, और स्टमक क्या होता है, स्टमक एक लार्ज ऑर्गन होता है, इट एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर्स इन इट। तो जैसे स्टमक इतना बड़ा है, जब लोग फूड इसमें खाते जाते हैं तो फैलता जाता है, कभी कभी देखिए हम बहुत ज्यादा भी खा लेते हैं, ठीक है ना। तो लार्ज ऑर्गन होता है, ये फैलता है जिसमें फूड एंटर करता है। अब देखिए जो फूड जो स्टमक होता है इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है, और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, एससीएल होता है, पेप्सिन होता है, और म्यूकस होता है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, यानी कि जब ये फूड एसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है तो स्टमक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, एक जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है, और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, एससीएल होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आया कोई चीज, आपने उसके ऊपर छिड़क दिया कुछ, तो पेट में भी यही होता है कि उसके उसके चारों तरफ से क्या होता है, जब फूड आता है तो ये रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस, यानी कि पूरा फूड क्या होता है उसमें मिल जाता है, एक तरीके से पूरे फूड में वो डाल देता है उस गैस्ट्रिक जूस को, गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है। हाँ बेटा, और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में होता है एससीएल, पेप्सिन और म्यूकस होता है, तीन चीजें होती है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एससीएल, पेप्सिन और म्यूकस का यूज क्या क्या है, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस में जो तीनों चीजें पाई जाती हैं, एससीएल, पेप्सिन और म्यूकस, इसका क्या क्या काम है, इस कैसे हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एससीएल। तो एससीएल का काम क्या होता है बेटा, मेक्स मीडियम एसिडिक, मेक्स मीडियम एसिडिक, यानी कि मीडियम को एसिडिक बना देता है। जैसे ही फूड गया इसमें स्टमक में, जी गैस्ट्रिक जूस निकला, गैस्ट्रिक जूस में आपका है एससीएल, तो एससीएल क्या करता है, पूरे मीडियम को एसिडिक बना देता है। एसिडिक क्यों बनाता है, ताकि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है फूड में वो फिनिश हो जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या कह रहा हूँ सर, एससीएल क्या कर देता है, मिक्स, सही है, समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा अच्छा, मिक्स के बाद क्या लिखे हैं, मीडियम ऑक्साइड, मीडियम एसिडिक, एसिडिक मीडियम को ये एसिडिक बना देता है। और ये क्यों बनाता है, क्योंकि क्योंकि क्या करता है, फूड में जितने भी हार्मफुल, फूड को, क्योंकि फूड में हाँ बेटा एसिडिक बना देता है, ताकि फूड में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो सब फिनिश हो, ये मतलब होता है। इसका मतलब क्या है, Kill the harmful bacteria. सर तो फिर वो harmful bacteria तो हमारे पेट में ही रह जाता। तो उससे क्या करना, मर गया ना, अब वो कुछ नहीं कर सकता। Food. ये हो गया इसका काम। फिर होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो होता है बेटा, ये फूड को ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में। क्या करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स
break down the proteins into amino acids. ठीक है, यानी कि पेप्सिन का काम क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, पेप्सिन का काम होता है जो भी प्रोटीन होता है उसको चेंज कर देता है अमीनो एसिड में। यानी कि जब फूड यहाँ एसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचता है तो इसमें जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है उसमें एससीएल होता है। एससीएल का काम क्या होता है, पूरी मीडियम को बना देता है एसिडिक, और जिसकी वजह से जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं फूड में वो किल हो जाते हैं। इसके बाद पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है, जितना भी प्रोटीन होता है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और पेप्सिन के बाद आपका थर्ड आता है ग्लूकोज। जब प्रोटीन को अमीनो एसिड में क्यों कन्वर्ट करता है बेटा, इसका काम होता है कन्वर्ट कर देना, सिंपलीफाई कर देता है। ठीक है सर, तो प्रोटीन, हाँ बोलो सर, प्रोटीन्स तो अच्छे हो, मतलब प्रोटीन अच्छे मतलब... होते हैं तो प्रोटीन को बॉडी डाइजेस्ट भी तो करेगी भाई। जो भी कुछ हम लोग खाते हैं उसमें प्रोटीन गया तो प्रोटीन को बॉडी कैसे क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी, तभी तो ब्लड में अब्जॉर्ब होगा। तो इसीलिए क्या सर, जो अमीनो एसिड रहता है वो जाकर के फिर अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, ब्लड ब्लड के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाता है, तो प्रोटीन ही तो है वो। अब देखिए म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लिनिंग ऑफ स्टमक, प्रोटेक्ट इनर लिनिंग ऑफ स्टमक। द प्रोटेक्ट इनर लिविंग की लाइनिंग, एल आई एन आई एन जी। ओके तो ये हो गया, इतना तीनों का वर्क हो गया म्यूकस तक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब प्रोटेक्ट लाइनिंग कहाँ रहती है, इनर लाइनिंग। लिनिंग का मतलब हो गया उसका सरफेस एक तरीके से, ताकि वो बेकार ना, क्योंकि अगर इतना एसिड वगैरह रिलीज हो रहा है तो सकता है बेकार हो जाए, डैमेज ना हो, उसके वजह से डैमेज ना हो, यस, कोई इफेक्ट ना पड़े, इनर लिनिंग बोल रहा है ना। यस सर, लिनिंग का मतलब होता है परत। हाँ बेटा, यस सर, सर एक बार रिपीट कर दी पूरा, नेटवर्क सर नेटवर्क नहीं था बेटा। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जब स्टमक में आएंगी, मतलब जब हमने स्टमक में रिपीट कर दी थी। हाँ बेटा उत्तर तुरंत, जब फूड कहाँ पर आएगा, स्टमक में आता था तो इसमें एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। ठीक है ध्यान से सुनिए बेटा, ठीक है, एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, और गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती हैं, एससीएल होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। ठीक है, एससीएल क्या करता है, एससीएल जो भी मीडियम होता है फूड का उस पूरे को क्या करता है बेटा, एसिडिक बना देता है, मतलब आपको पूरा एसिड एसिड कर देता है, और जिसकी वजह से जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं फूड में वो फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, किल कर देता है। फिर इसके बाद पेप्सिन, पेप्सिन का काम क्या होता है, ये जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है किसमें, अमीनो एसिड में, कौन, पेप्सिन। इसके बाद म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, जो ये स्टमक की इनर परत होती है इसको सेफ करता है, इसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है इसको, ये काम होता है इनका। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग आएंगे स्टमक की और चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि स्टमक में और क्या क्या चीजें हैं। इसको हटा रहा हूं मैं, तो स्टमक में देख लेते हैं। खुशी क्लियर हो गया आपका, हेलो, चलो अब स्टमक में हम लोग आते हैं बेटा।
स्टमक में सबसे पहले चीज हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फूड जब स्टमक से होते हुए, स्टमक से होते हुए कहाँ पहुंच रहा है बेटा, इंटेस्टाइन में, इस तरीके से। ये तो सबसे पहले ये जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये क्या होता है बेटा, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड होता है वो कंप्लीटली अब डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इट इज द साइट ऑफ, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट, कंप्लीट डाइजेशन। मतलब यहां पर क्या होता है, जो फूड होता है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। एक्चुअली में फूड का डाइजेशन तभी शुरू होता है जब हम लोग उसको खाते हैं। टीथ क्या करता है, ब्रेक करता है, फिर वहां पर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो एंजाइम्स सेक्रेट करती हैं, उससे होता है, फिर एसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचा, स्टमक में एससीएल है, एससीएल के बाद में पेप्सिन है, ठीक है ना, म्यूकस है, ये सब उसको और ब्रेक करते हैं, इसके बाद में पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। अब इससे पहले हम लोग देखते हैं लीवर के बारे में। लीवर क्या है, लीवर क्या करता है बेटा, इट प्रोड्यूस, यानी कि लीवर ये है बेटा, ये लीवर है साइड, तो लीवर क्या करता है, इट प्रोड्यूस सर स्मॉल इंटेस्टाइन सर, मतलब क्या करता है अभी हम बता रहे बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब इसमें जब फूड आएगा आएगा तो कंप्लीटली वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी हम धीरे बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये जानिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, दिस इज द लास्ट साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि यहाँ पर फूड कंप्लीटली क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं लीवर क्या है। तो लीवर क्या करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, ये प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, और बाइल जूस के साथ साथ प्रोड्यूस करता है बाइल सॉल्ट। ये दो चीजें क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है कौन, लीवर। अब देखिए बाइल जूस क्या होता है, बाइल जूस, बाइल सॉल्ट, मतलब जो सॉल्ट होती है, मतलब उसी टाइप का सॉल्ट, उसी तरीके। अब देखिए बाइल जूस क्या होता है, इट मेक्स द फूड एल्केलाइन, इट मेक्स द फूड एल्केलाइन। एल्केलाइन मतलब देखो, इट मेक्स द फूड एल्केलाइन का क्या मतलब, बेसिक बेस बना देता है, बेसिक बना देता है, यानी कि बाइल जूस क्या करता है, ये फूड को बेस बना देता है, एसिडिक नहीं, कैसा बनाएगा ये, बेस जानते हो ना, बेस बेस, हाँ एसिड और बेस पड़े हो कि नहीं, यस। तो इसको क्या करता है, जो बाइल जूस होता है ये फूड को बना देता है बेसिक, मतलब उसको बेस बना देता है, ठीक है। किस चीज का सर, क्या बेटा सर, कैसा बेस, एसिड और बेस पढ़े हो कि नहीं सर, एसिड बेस सॉल्ट ना, हाँ सर पढ़े, हाँ हाँ। तो बेस क्या होता है, बेस जानते हो क्या होता है, बताइए एग्जांपल बताइए सर, जो बेसिक सर, एसिड बेसिक सॉल्ट, कैसे क्या एग्जांपल, क्या क्या होगा, कुछ पता है सर, बोलिए सर, याद था जब भूल गए। जैसे बेटा आप ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, एल्कलाइन है, ठीक है। जैसे आपका सोप होता है, सोप,
सूप हो गया नॉर्मल जो घर में होता है, तो ये सब एसिड और बेस होते हैं ना, तो ये क्या करता है, बाइल जूस क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है अल्कलाइन में, मतलब बेस में कन्वर्ट कर देता है। तभी हम वहां पर क्या देख रहे थे कि एसिडिक जो HCl होता है, HCl क्या होता है, एसिडिक होता है, पढ़े थे कि नहीं। और यहाँ पर जो लीवर होता है, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। तो बाइल जूस क्या करता है, ये फूड को क्या बना देता है, एल्कलाइन बना देता है, मतलब बेस बना देता है। ठीक है, हाँ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, बेसिस इनको बोलते हैं। और इसके अलावा, और जैसे आप सपोज कर लीजिए कि जितने डिटर्जेंट होता है, सोप वगैरह होता है, सारे बेस ही तो हैं, शुगर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, सारे बेस हैं, समझे बात। तो इसी इसी में कन्वर्ट कर देता है बाइल जूस, क्या करता है फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्काइन में, मतलब बेसिक बना देता है। आई बात समझ में नहीं। फिर यस होता है बेटा बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है, ब्रेक द लार्ज ऑफ फैट ग्लू ग्लू ग्लोब्यूल्स, ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स, दिस इज कॉल्ड इम्लिसिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूलिफिकेशन। सर 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 एक बार रिपीट कर दीजिए लीवर से। एक सेकंड बेटा, बेटा लीवर क्या होता है, लीवर में दो चीजें होती हैं, एक होता है बाइल जूस और एक होता है बाइल सॉल्ट, ये दो चीजें रिलीज होती है यहाँ लीवर से। ठीक है, और याद रखिएगा लीवर है और लीवर के नीचे यहाँ पर एक गॉल ब्लैडर, तो लीवर से दो चीजें प्रोड्यूस हुई, एक हुई बाइल जूस और दूसरी हो गई बाइल सॉल्ट। तो बाइल जूस क्या करता है, ये फूड को बना देता है एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब इसको बेस बना देता है, जैसे एसिड बेस और सॉल्ट बड़े हो गए तो बेस बना देता है। और जो बाइल सॉल्ट होता है, बाइल सॉल्ट क्या करता है, जितने भी लार्ज फैटी सब्सटेंस होते हैं, यहाँ पर जो ग्लोब्यूल्स है, इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लीजिए कोई बड़ा सा लार्ज फैटी है, इसको कन्वर्ट कर देगा, फैट है सपोज कर लेते हैं, इसको छोटे छोटे में डिजोल्व कर देगा इस तरीके से, ये इसी को बोलते हैं बेटा ग्लोब्यूल्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है ना, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, यानी कि जो ग्लोब्यूल्स मतलब ये एक बड़ा सा जो फैट हो गया, इसको ब्रेक कर देना छोटे छोटे में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। आई बात समझ में, यानी कि जब फूड यहां से सर आता है इसको इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन हाँ इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन TMULSIFICATION। यस सर आओ ठीक है, तो ये हो गया बेटा इतनी कहानी लीवर की। और मतलब यहाँ पर लीवर में जब ये चीजें होती हैं, तो यहाँ पर ये दोनों रिलीज होता है, कौन कौन, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। तो ये क्या करता है, इसको साथ में लिए आता है। ठीक है ना, अब इसके बाद में दूसरे, इसके आगे क्या है बेटा, इसके आगे है गाल ब्लेडर। तो इसके नीचे ये देखिए छोटा सा जो बना हुआ है, आप बुक में डायग्राम देखेंगे तो आपको और अच्छा दिखेगा, इसके नीचे होता है गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर क्या करता है, जो वो बाइल जूस लीवर और में ही बना बाइल है बुक सॉल्ट, में। हम भेज देंगे बेटा, क्यों परेशान है, बाइल जूस क्या करता है, मैं आपको डायग्राम में अच्छा सा देखेंगे, आप एकदम परेशान हो। बाइल जूस क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि जितने भी यहाँ से आपके बाइल जूस और बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं, वो तो कहाँ स्टोर होते हैं, गाल ब्लेडर में। ठीक है, यानी कि जो भी चीज यहाँ से रिलीज होती है, वो कहाँ पर होती है, गाल ब्लेडर में आकर के स्टोर हो जाती है। ठीक, यानी कि नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, गाल, GALL, गाल ब्लेडर।
गॉल ब्लैडर, ये क्या करता है, इट स्टोर बाइल जूस एंड सॉल्ट, इट स्टोर बाइल जूस, तो जो फैट रहता है वो बेटा वो अब ब्रेक डाउन हो गया ना छोटे छोटे पार्ट्स में, अच्छा तो वो अभी कहां पूरा जाता है ब्रेक डाउन में बेटा, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी टॉपिक चल ही तो रहा है। मूवी देखने बैठते तो क्या होता है, धीरे धीरे एंड आता है, पहले नहीं, धीरे धीरे चीजों को सीखिए ना क्या क्या हो रहा है, लास्ट तक चल रहा है। अभी यहाँ पर छोटे छोटे उसमें ब्रेक हो गया इसमें, अब देखते हैं अभी आगे क्या होता है, बता रहे धीरे धीरे। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, इट स्टोर बाइल जूस, क्या स्टोर करता है, बाइल जूस एंड सॉल्ट, एंड सॉल्ट, यानी कि गॉल ब्लैडर क्या है, इट स्टोर बाइल जूस एंड सॉल्ट, यानी कि जो लीवर से बाइल जूस और बाइल सॉल्ट रिलीज होता है वो कहाँ आकर के इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में। ओके, ये बात समझ में आई, क्लियर है? यस सर। चलिए इतना मटा रहे हैं, यानी कि गॉल ब्लैडर तक काम हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखिए साइड में पैंक्रियाज लगा है, अब देख लेते हैं पैंक्रियाज का क्या रोल है इसमें, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें एक साथ जुड़ेंगी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पैंक्रियाज का क्या रोल है। पैंक्रियाज तो ये क्या करता है बेटा, इसमें जो है ट्रिप्सिन, क्या बेटा, अच्छा वीडियो पर आ रही है, साफ नहीं आ रही है अभी, नहीं रही है, कैसे देखें, नेटवर्क आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देखिए आई बेटा, शराब आया। चलिए तो पेनक्रियाज क्या करता है, यहाँ पर आपको पेनक्रियाज जो दिख रहा है, इस पेनक्रियाज में भी दो तरीके के एंजाइम रिलीज होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लिपेज, ठीक है, ये दो तरीके के आपके एंजाइम हो गया। अब देखिए जो ट्रिप्सिन है आपको याद होगा, अभी इससे पहले हमने आपको बताया था, इससे पहले कौन था, इससे पहले ट्रिप्सिन से पहले हमने क्या निकाला था, याद है कुछ, ट्रिप्सिन स्टार्टिंग में याद आया, ट्रिप्सिन था, पेप्सिन, यस सर, सर जो ब्रेक डाउन करता था स्टमक में था, और ट्रिप्सिन भी क्या कर रहा था, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, ठीक है, कौन, पेप्सिन, और यहाँ पर ट्रिप्सिन का काम भी वही है, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन का काम दोनों सेम रहेगा, बट जो आपका ट्रिप्सिन है ये निकलेगा पेंक्रियाज से, ये यहाँ से पेंक्रियाज से, और जो आपका पेप्सिन था वो स्टमक में निकल रहा था, ठीक है, तो इसका भी काम क्या होता है, जो ट्रिप्सिन है इसका भी काम होता है ब्रेक डाउन प्रोटीन इंटू एमिनो एसिड, ब्रेक डाउन प्रोटीन, और सर ये किस में रहता है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज यही साइड में लगा होता है बेटा स्टमक के साथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ना, हाँ यस सर, ये क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड में बदलता है, और जो लिपेज है ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, यस बेटा, सही, ये भी एक प्रकार के जूस रहते हैं, हाँ ये भी आपके एंजाइम्स हैं, मतलब भाई जूस ना, हाँ जूस बोल सकते हो, सर जो स्टमक में था HCl और पेप्सिन, हाँ वही थी, तो ये भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, हाँ यस सेम वर्क होता है,
ये देखिए, और लिपेज क्या करता है बेटा, ये ब्रेक डाउन करता है सेम चीज जिसको इमल्सिफाइड टू फैट होता है। आपको याद होगा तभी हमने एक बड़ा सा फैट इस तरह बनाया था कि छोटे छोटे में ब्रेक था ना, तो इन सबको क्या करता है डाइजेस्ट करता है कौन, लिपेज, यानी कि इट ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, तो मतलब जो फैट है, फैट आपका कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड, ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ये देखिए। यानी कि अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुने, तभी आप बोल रहे थे कि सर जो ये फैट ये कहाँ जाएगा। ठीक है, तो फैट क्या हो जाएगा, फैट आपका छोटे छोटे पार्ट में क्या हुआ, इमल्सिफाइड हो गया। अब इसको जो है लिपेज एंजाइम है ये इसमें कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, इसे ब्रेक कर देगा सर एसिड है ग्लिसरॉल, हाँ एक टाइप का ऐसे ही जूस है ये। ठीक है सर, कितने एसिड रहते हैं पेट में? बहुत। अब देखिए क्या क्या चीजें किसमें कन्वर्ट होती है, ये देख मैं एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। स्टार्च सबसे पहले स्टार्च था, आपको याद होगा स्टार्च याद है, स्टार्च कन्वर्ट हो रहा था शुगर में, याद आया, शुगर का मतलब ग्लूकोज। वीडियो इज नॉट कमिंग, यानी कि जो स्टार्च था ये आपका कन्वर्ट हो रहा था किसमें, शुगर में, यानी कि ग्लूकोज, और इसके बाद आया था फैट, फैट आपका कन्वर्ट हो रहा है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में। फिर इसके बाद आता है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किसमें ब्रेक हो रहा था, अमीनो एसिड में, अमीनो AMINOACID। तो ये देखिए ये चीजें क्या है इसमें कन्वर्ट हो रही है, मतलब स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टार्च कन्वर्ट हो गया शुगर यानी कि ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है ये देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं, यानी कि इतना ये हो गया, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा स्टमक, तो स्टमक तो इतना हो गया, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है बेटा, विली, सबसे बड़ी एक चीज होती है इसको बोलते हैं विली, विली का मतलब होता है फिंगर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, PROJECTION प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दीज इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, विली आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड
vessels, vessels. Then the blood vessels takes the food to each and every cell of the body, each and every cell of the body. Okay, तो ये यहाँ पर हो गया digestion. मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ से हमने starting में देखा कि starch glucose में convert हुआ, fat fatty acid और cholesterol में, protein amino acid में, तो यहाँ से आएगा small intestine में. क्या लिखा हुआ है? Finger like projection. Finger like projection का मतलब क्या हो गया? जैसे सपोज कर लीजिए हमारी ये जो इंटेस्टाइन है ये कुछ ऐसे चल रही है इस तरीके से. अब देखिए यहाँ से अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो कम एब्जॉर्ब करेगा, इसमें कुछ इस तरह से प्रोजेक्शन होता है. फिंगर लाइक का मतलब ये देखिए ऐसे फिंगर होती है ना ऐसे, ये तो फिंगर की तरह ऐसे उभरा हुआ होता है ये देखिए दोनों साइड से. अब यहां से जब फूड इसके अंदर में चलेगा डाइजेस्टेड फूड तो क्या करेगा ये पूरा सरफेस इसको एब्जॉर्ब करेगा. तो वही उन्होंने लिखा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया. क्योंकि अब जो अभी केवल इतने से ही एब्जॉर्ब होता है लेकिन अब ये इधर से भी एब्जॉर्ब हो रहा है तो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और जिससे क्या होता है यहाँ पर जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है वो किसमें आ जाता है जो ब्लड होता है ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है. यानी कि देन द ब्लड वेसल टेक द फूड और जो ब्लड होता है वो बॉडी के पूरे पार्ट्स में घूम करके क्या करता है जो भी हमारे पास फूड है उसको पहुंचाता है. ठीक है, यानी कि विली क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है जो फिंगर लाइक प्रोटेक्शन होता है इस तरीके से जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन था. और यहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस होता है ब्लड क्या करता है ब्लड में जो फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है. ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं स्मॉल के बाद फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन. तो देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन क्या है. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर हम लोग देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट है यानी कि डाइजेशन हो गया. अब लार्ज इंटेस्टाइन तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है द अनएब्जॉर्ब फूड यानी कि वो फूड क्योंकि जितना हम लोग खाएंगे पूरा एब्जॉर्ब थोड़ी ना होगा कुछ ना कुछ बचा रहेगा पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है. तो जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है द अनएब्जॉर्ब The unabsorbed food sent to large intestine. यानी कि जो unabsorbed food होता है इसको send किया जाता है large intestine में where जहां पर its walls मतलब जो उसके walls होते हैं intestine के absorb more water from this material फिर क्या है and rest of the material removed from the body via anus. तो क्या हो गया अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया मतलब एब्जॉर्ब हो गया तो अब जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है उसको भेजा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. क्या लिखा था अनएब्जॉर्ब फूड सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल्स यानी अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका वॉल्स क्या वॉल्स जो है इसमें सरफेस जो है इसका ये इसमें से जितना वाटर है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी जितना मटेरियल बचा उसको एनस से क्या करता है बाहर की तरफ बॉडी से थ्रो कर देता है. तो इस तरीके से बेटा ये टॉपिक हो गया कम्प्लीट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी. एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ हम लोग सबसे पहले क्या किए थे माउथ की बात कर रहे थे. माउथ से हम लोगों ने फूड इनटेक किया था और माउथ से जब हम लोग फूड इनटेक किए थे मतलब यहाँ से फूड क्या होता है हमारी बॉडी में इंटर करता है मतलब माउथ में इंटर करता है. इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे टीथ की तो नॉर्मली सी बात है टीथ क्या करता है टीथ इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेगा. फिर टंग की हम लोग बात करते हैं टंग का काम होता है टेस्ट के लिए और फूड के रोलिंग के लिए.
फिर सलाइवरी ग्लैंड की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, जो आपको देख रहे हैं सबसे ऊपर सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, सलाइवा क्रिएट से क्रिएट होता है, और सलाइवा क्या करता है, ये सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी एमिलेज, और ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च, यानी जो फूड होता है, जो फूड हम लोग खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। फिर एसोफेगस की हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, ये क्या करता है, ये फूड को स्टमक तक लेकर आता है। स्टमक क्या होता है, एक लार्ज ऑर्गेन होता है जो एक्सपेंड करता है जब फूड इसमें इंटर करता है। इसके बाद गैस्ट्रिक जूस इसी में पाया जाता है स्टमक में ही, और इससे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिसमें तीन चीजें होती हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या करता है, ये फूड को एसिडिक बनाता है, और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं फूड में उन सबको क्या करता है, ये फिनिश करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो था पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड में। फिर म्यूकस था, म्यूकस क्या करता है, जो इनर लिनिंग होती है, सरफेस होता है जो स्टमक का, इसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब इसको बचाता है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे स्टमक की, तो स्टमक में हम लोग सीखे थे जो स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर होता है, तो ये ऐसी साइट होती है जहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इसके बाद लीवर की हम लोग बात करते हैं, साइड में यहाँ पर लीवर लगा हुआ है। लीवर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। बाइल जूस क्या करता है, ये फूड को अल्कलाइन बनाता है, मतलब बेसिक बनाता है, और बाइल सॉल्ट क्या करता है, इसको ब्रेक करता है लार्ज फैट, जो ग्लोबल्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े जो फैट्स होते हैं उसको छोटे छोटे फैट में ब्रेक करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। फिर आता है गॉल ब्लैडर, ये क्या करता है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को, मतलब ये बेटा साइड में यहाँ पर छोटा सा लगा हुआ है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को। फिर पेनक्रियाज की बात करते हैं, साइड में पेनक्रियाज है, इसका काम क्या होता है, इसमें दो एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन और लिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में, सेम जो पेप्सिन कर रहा था। लाइपेज क्या करता है, जो हमारे पास यहाँ पर एमल्सिफाइड फैट है जो भी ऊपर ब्रेक डाउन हुआ था, उसको क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी कि स्टार्च कन्वर्ट होता है शुगर में, फैट कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में। फिर आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस पर विली होता है, विली का मतलब इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है सरफेस पर, जो क्या करता है, जिसकी हेल्प से फूड ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, और ब्लड के थ्रू क्या होता है, बॉडी के पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, इसके बाद फूड कहाँ जाता है, अनडाइजेस्टेड, क्योंकि जितना भी फूड हम लोग खाते हैं डाइजेस्टेड नहीं होता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड भेजा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या एब्जॉर्ब करता है, जितना इसमें वाटर होता है, और बाकी जो वेस्ट होता है उसको थ्रो कर देता है एनएस। तो इस तरीके से ये टॉपिक हो गया आज आपका फिनिश।